गलती से बोला उन्होंने, जान पूछ के बोला, रियलिटी क्या है मतलब? वो रियलिटी नहीं थी। इतना टाइम नहीं है कि मैं आप दोनों की झकमारी में बीच में आऊं। झकमारी मतलब तो जो भी आप मार रहे हो, झकमारना नहीं बोलते। तो पहले की जो बताया था, पहले पता था, नहीं पता था। जब पहले पता था कंटेंट बना रहे हैं तो पता ही था कंटेंट का नहीं। तो उनसे पूछो ना, मुझसे क्यों बोल रही हो? तो आप ऐसे कैसे बोल रही हो? मुंह से बोल रही हूं तो बनाने बनाओ, नहीं बनाने मत बनाओ। इन्हीं के साथ बनाना, वैसे मैं तो बनाने नहीं वाली हूँ। आवाज यहाँ पे लगाता हूँ, अभी आवाज लगा रही है। मैं बोल रहा हूँ उसको, मैंने कहा 2 मिनट तो कॉल आ रहा है, अभी 2 मिनट में आ गए। यहीं पे बैठ लेते हैं, इसलिए फिर अच्छा सा नहीं लगता ना यार डिस्टर्ब। फिर बात ये, अभी भी लोग कैसे देख रहे थे अभी, मतलब हम दोनों बात कर रहे थे, क्यों गुस्सा हो रहे हो? हम बना लेंगे आप लोग। क्या बात कर दी मैंने? क्या पूरी बात ही करी? क्या कर दी? 10 मिनट हो गए उसे आई हो अभी तक। एक मिनट कॉल कर लेता हूँ एक बार। हेलो जी, हाँ चंद्र आ गए? नहीं मैं एक्चुअली प्लीज यार लेट हो गया, जल्दी पीछे वाले साउंड बॉक्स आ गया। हाँ इधर ही गर्मी हो रही है यहाँ पे, फिर मैं यार पब्लिक में अच्छा था। अच्छा यार मैं नॉर्मल बात ही तो करनी थी। हेलो कैसे हो शिवानी? बढ़िया ठीक हो? ये रुचि है ना? हाँ रुचि, बैठो आगे बैठ जाओ यार। तो बैठ जाओ यार, बैठ के बात कर लेते हैं ना आराम से। ये रुचि आप जानते हो? वैसे भी जानते हो ना, आप बता रहे थे कि मतलब फैमिली वगैरह से। तो ये दिक्कत क्या है ब्लॉग बनाने में? ऐसा तो मुझे कुछ नहीं। क्या प्रॉब्लम हुई आपको? नहीं मेरे को नहीं अच्छा लगता है। अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है? आपको पहले नहीं पता था? तो पहले मुझे नहीं पता था ना, पहले मेरे को ये था कि नॉर्मल वीडियो होगी, मुझे नहीं पता। तो नॉर्मल वीडियो ही तो है, तो क्या हो गया? प्रॉब्लम क्या आ रही है? उसमें प्रपोज वीडियो है, वो मुझे नहीं पसंद आई। इसका कर उसमें गलत क्या है यार? ऐसे में मतलब कंटेंट होता है ना, लोगों को दिखा रहे हैं, उसमें कोई गलत थोड़ा ही है। तो कंटेंट का किसी के साथ भी करना जरूरी है, उन्हीं के साथ करना था यार। अब वो यार इन्होंने मुझे पहले नहीं बताया कि इनकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है? वो फिर एक्चुअली मुझे नहीं पता था, बताया ही नहीं। सॉरी मुझे नहीं पता था, पूछा नहीं, मुझे नहीं पता था। अगर और मुझे कोई शौक नहीं है, और मुझे कोई शौक नहीं है वीडियो बनाने का, ठीक है? मुझे अगर पता होता कि मतलब पर्सनल लाइफ में मुझे किसी के घुसने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप इसकी इनकी गर्लफ्रेंड हो या थी, मतलब जो भी है मुझे नहीं पता आपके बारे में है क्या, फिर मतलब क्या है, जो भी हो या कुछ भी है, पर मुझे आपने पहले क्लियर करना चाहिए था। और आप इनसे पूछो, मुझे नहीं पता, मुझे पहले उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया और ना मुझे कुछ बताया। और मुझे अभी पता चला कि वहाँ पे हम घूमने गए थे, बताना नहीं होता है? सॉरी ना यार, उन्होंने नहीं पूछा मेरे से। अगर वो पूछेंगे नहीं तो तुम बताओगे नहीं उन्हें? तो मुझे, मैंने कहा क्या बता दूंगा, बाद में मिलवा दूंगा, आज तुम्हें मिलवा ही दिया, अब ब्लॉग बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। मुझे नहीं बनाना है ब्लॉग। अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम? उसको कन्विंस तो कर रहा हूं। क्या कन्विंस कर रहे हो भाई? वो आपकी गर्लफ्रेंड है, आप उसके साथ बनाओ ब्लॉग। बनाने तो मेरे साथ क्या फ्रेंड है, तो ब्लॉग ही बनाओ। तो ब्लॉग बनाने में अब क्या बचा है कुछ? आप क्या बनाएंगे, आप क्या दिखाएंगे? हम यहाँ घूमने जा रहे हैं। हाँ घूमने जा रहे हैं, ब्लॉग बनाऊंगी मैं यहाँ पे। हाँ हमारे घर में ये हो रहा है, तो यही बना लेंगे ना। बना लो नॉर्मल ब्लॉग होना चाहिए ना फिर। हाँ नॉर्मल ब्लॉग वही रखेंगे ना हम, कि मतलब हम क्या कर रहे हैं वही तो रखते हैं अभी भी। हाँ तो वही तो रखो ना, ऐसे वो प्रपोज वीडियो नहीं अच्छी लगी ना, वो तो एक चीज होती है। वो रियलिटी थी ना उस टाइम, रियलिटी थी।
मतलब वो कंटेंट ही तो है और रियलिटी क्या है? आप गुस्सा मत हो ठीक है, वैसे तो है सब रियलिटी बोला ना बट वो यार गलती से बोला उन्होंने या जानबूझ के बोला, रियलिटी क्या है मतलब? वो रियलिटी नहीं थी। रियलिटी क्या है इसमें? नॉनी ये भी रियलिटी कुछ नहीं। आपने रियलिटी क्यों सोचा उसको वैसे? अब मैं सोचने से तुम्हारा सब कुछ चल जाएगा, मेरे सोचने से क्या बोलूंगा, चुप रहो बस तुम ठीक है। आपको जो भी करना है, आप अगर ब्लॉग बनाना चाहते हो ब्लॉग बनाओ, नहीं बनाना चाहते नहीं बनाओ, इनके साथ बनाओ ना ब्लॉग कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता था यार सीरियसली, फिर आपकी पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा होगा इसलिए मैं क्या ही करूँगी, आप खुद बताओ यार थोड़ा सा। शुरुआत है नहीं? अभी तो चलो डांस करते हैं। ये क्या, प्लीज यार चुप रहो।
यार सीरियसली बहुत मूड खराब कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया। ओफो रुचि सर पे पाला बच चुके हैं। तो गाइस मजा नहीं आया, कमेंट भाई इधर आओ यार, मत करना कमेंट, बिल्कुल मत करना। और ऐसा प्रैंक होगा ना आगे से कोई वीडियो नहीं आएगी, कोई भी वीडियो नहीं आएगी आगे से, कोई ब्लॉग नहीं होगा उसमें तो नहीं। अगर ऐसा कोई प्रैंक किया आज के बाद तो बिल्कुल, चलो गाइस सॉरी बोल देते हैं, लेकिन प्रैंक की भी लाइन लगा देनी है, टेंशन ना लो, प्रैंक की लाइन मैं लगाऊंगा, तुम बस मुझे सजेशन। मैं आज के बाद वीडियो नहीं बनाऊंगी, अगर आपने कोई भी प्रैंक किया या फिर कुछ भी किया तो। देखना नेहा जूता कितने नंबर का, मेरा सात नंबर है ना, सात है ना, मुंह पे अगर लगेगा तो कितना छपेगा, सात नंबर ऐसे छपेगा। यो यो आप बच जाओगे। चलो चलते हैं, बात खत्म करते हैं, अंदर बैठते हैं, बस के से चलो। हाय हाय कर दो यार, हाय कर, चल हाय कर दो, वो बैठे हैं। हाय गाइस, आगे से कोई प्रैंक नहीं आने वाला है तो लाइक कमेंट शेयर। मजा आ गया आपको थोड़ी सी देर में, एंड थैंक यू सो मच नेहा। गाइस अभी एक अपना सब्सक्राइबर मिल चुका है, इसकी आंखें देखो तुम, आंखें दिखा भाई अपनी, पूरा नाग हो रहा है यार तू तो। कैसे हो भाई, सब बढ़िया? अच्छा रुचि, हाँ जी कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बेकार। क्यों बेकार? बढ़िया बोलूँ या बेकार बोलूँ? भाई कैसी है, कैसी है, हैं अच्छी है? शर्मा रहा है। मजा है नहीं आया आज प्रैंक में? बहुत बेकार प्रैंक। वाह यार, जिसको बोलते हैं ना बस क्या बोले बस, बट आप पे भी रिवेंज होगा कुछ ना कुछ। हाँ देखा जाएगा, देखा तुम्हारे बस की नहीं है, मैं कर लूँगी। हाँ जी अब आएंगे नेक्स्ट वीक यहीं पे, हाँ यहीं मिलेगी तुम्हें मेरी बाइक खड़ी हुई, ठीक है? अब तो खुश हो तुम? मैं बहुत बेकार था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो भी मेरे को सीरियसली रियल लगा वो चीज कि मतलब। अच्छा दुख हुआ? मतलब दुख हुआ, हुआ वो गाइस समझ रहे हो? ऐसा नहीं, मतलब हंसी आ रही है, रोना आ रहा है, मतलब कर रहा है। कोई ऐसे, कोई ऐसे किसी के लिए नहीं रोता, तो समझने वाले समझ सकते हैं। हेलो हेलो, चलो अच्छा मैं चल रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से जाना, याद तो तुम्हें मेरी आएगी नहीं, ध्यान से जाना बस, रहने दो। आप तो ये चीज़ मत ही बोलो यार। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं आराम से, तुम भी सो जाना जाके, चलो ठीक है फिर, ओके ओके चलो बाय बाय। सो गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं, भाई लोग फोटो वोटो शूट कर रहे हैं। हाँ भाई, हाँ रैप पुलिस वाले हैं, यहीं पकड़वाओगे तुम मुझे? जब आगे जाऊँगा ना तब आगे जाऊँगा, जब स्पीड से जाऊँगा तब सुन लेना आवाज़, ठीक है? वीडियो वीडियो बना लेना अपने फ़ोन से, आवाज़ आएगी, ठीक है? तो गाइस अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। सो हेलो जी, वी आर बैक, हो गया इसी ब्लॉग के अंदर। सो गाइस मेरे ब्लॉग एंड नहीं किया था, मैं सोचा था थोड़ा सा टनल के अंदर आवाज़ सुना दी जाए, फर्स्ट गियर में कर लेते और बूंदी फाड़ देते गाइस, बस भीड़ भीड़ ना हो। ओए 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 पूरी खाली, ओए मजा आ गया भाई, बहुत ही लेवल के बाद सीरियसली यहाँ तक रिएक्शन मिल रहा है भाई, क्या ही आ रहा है भाई, बहुत लाउड हो रही है आवाज़, पता नहीं क्यों हो रही है इतनी, बट सीरियसली बता रहा हूँ पहले से बहुत लाउड हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। खैर एनीवेज गाइस, सुरुचि के साथ मज़ा आया व्लॉग में, कमेंट करके बताना, एंड प्रैंक कैसा लगा, और प्रैंक मेरे को सजेस्ट कर देना, कुछ भी सजेस्ट कर देना, टेंशन जैसी तुम वीडियो बोलोगे वैसी वीडियो तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी, तुम टेंशन ना लो, लव यू के सबको, बस तुम्हें इतना करना है बेल आइकन पर थूक लगा के दबा दूँ, एंड सब्सक्राइब का काला सा बटन आता है, पहले लाल आता था अब काला हो गया है, तो उस काले बटन को ना गोरा कर दो, समझ गए, वाइट कर देना है तुम्हें। तो गाइस थैंक यू सो मच, प्लीज़ प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, लव यू के सबको, एंड सपोर्ट चाहिए तुम्हारा, बस प्यार चाहिए, मिलते हैं आपको अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू हो गए सबको।